कराची से रिपोर्ट शामिल करते हैं जुल्फकार सोलंकी की। वजीर इत्तलात व मेहनत सिंह सईद गनी शेरशाह में होने वाले धमाके की जाए हादसात पर पहुंच गए। सूबे वजीर ने जारी रेस्क्यू अमल का जायजा भी लिया। उस मौके पर उनका कहना था कि अभी ये कहना कबल इस वक्त है कि धमाका किस वजह से हुआ, मगर इस बात का कवी इम्कान है कि धमाका नाले में गैस भर जाने से हुआ है। धमाके में अब सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया का तमाम अमला जाए हादसात पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। इस वक्त में यहाँ जाए हादसात पर मौजूद हूँ और वजीर बल्तियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ट्रामा सेंटर में जख्मियों की अयादत और इलाज मुआलजा देख रहे हैं। हमारी वजीर सेहत भी अस्पताल में मौजूद है। बदकिस्मती से इस वक्त नालों पर हजारों की तादाद में तजावजात कायम हैं। ये तजावजात कुछ इस्ता 50 साल से हैं और इसमें 20 से 25 साल में तेजी से इजाफा हुआ है। इस मामले को हुकूमत ने मुतअद्दिद बार हल करने के लिए इकदाम किए, लेकिन उसमें कभी सियासी जमातें तो कभी वह दुकानदार और घर वाले जो उस पर रहते हैं वो सामने आ जाते हैं। ये कह देना आसान है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत इस हवाले से तमाम इकदाम कर रही है।